लाइन पे सीधा सीधा वार करेगा और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हे गाइस, आई एम प्राची एंड यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल प्राचीज वर्ल्ड। और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस। यस गाइस, जो आप कहीं भी चलते फिरते आप कर सकते हो, वो एक्सरसाइजेज है आपके फेस अपलिफ्टमेंट की। आप अपनी जॉ लाइन को शेप अप कर सकते हो, आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हो, अपलिफ्ट कर सकते हो। और ये बहुत ही हेल्पफुल है गाइस, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब अभी मेरे आने वाला था मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। इवन आफ्टर जब मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे चबी चबी फेसेस, बहुत ज़्यादा चबी फेस हो गया था। तो मैंने ये चलते फिरते एक्सरसाइजेस की और अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मैं ये डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइजेस करती हूँ गाइस। यस, तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बताती हूँ ये 5 से 6 एक्सरसाइजेस जो आपकी जॉ लाइन को शेप अप करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। जो एक्सरसाइजेस मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, वो आप कहीं भी फ्री टू डू हो, आप कहीं भी कर सकते हो। आप लू में हो, आप ऑफिस में हो, आप कैब में ऑफिस जा रहे हो, किचन में हो, आप बेबी फीड करा रहे हो, कहीं भी आप ये कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, इट वर्क्स ऑन मी गाइस। यस, मैं हमेशा ये एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि इतना ईजी है ना कि आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। तो चलिए, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो कुछ इस तरह से है। हमें अपनी जो नेक लाइन है ना, उसे ऊपर स्ट्रेच करना है, सीलिंग की तरफ देखना है। और जितना हो सके आप स्ट्रेच करो, जितना हो सके स्ट्रेच करो। इट्स, मैं जो भी एक्सरसाइजेस आपको बता रही हूँ गाइस, ऑल आर बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग। सो आप जितना स्ट्रेचिंग करोगे आपको रिजल्ट्स उतने जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा कितना इजी था। तो इसकी आपको 30 रेपिटेशंस करना है। आप 30 सेकेंड्स तक करो और दिन भर में जितने बार करो, फ्री हो, जब भी मर्जी करो। ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाला गाइस, और आपकी नेक लाइन भी स्मूदन होगी, ये जॉ लाइन आपकी अच्छे से दिखेगी। चलिए बढ़ते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज एक्चुअली ना मैंने इंस्टा पे, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ना पोस्ट ऐसे वाला, ये वाला फॉलो किया कि नहीं, कर लो। मैं हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलो सेकेंड एक्सरसाइज है, ऐसे करना है, फिश पोज बोलते हैं आपको। ठीक है, ये पोज लेके आपको थोड़ा होल्ड ऑन करना है, फिर उसके बाद से आपको छोड़ना है। ओके, रेडी। ये एक्सरसाइज भी आपके फेशियल जो स्ट्रक्चर है उसको शेपन अप करेगा और बहुत ही अच्छा स्ट्रेच करेगा। तो ये अभी आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, तो ज़रूर ट्राई करना। चलिए थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं गाइस। एक्सरसाइज है ये, तो और भी ज़्यादा फनी है गाइस। आप किसी को टीज करते हो ना, बचपन में हम करते थे, सेम टू सेम वही पोज है। आप मुझे अभी देख के जो मैं ये करूँगी तो हंसोगे भी, बट प्लीज़ हंसो मत यार, ट्राई करो। और ये मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाली है, ठीक है, आगे चल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। हंसी आई ना, मुझे करते वक्त हंसी आ रही है, तो आप देख रहे होगे तो आपको कितनी हंसी आ रही होगी। ये एक्सरसाइज है ना, जब आप ऐसे एक तरफ कर रहे हो लेफ्ट राइट, तो ये स्ट्रेच हो रहा है बेसिकली। और स्ट्रेचिंग ही आपके मतलब बॉडी लैंग्वेज को या आपके फेशियल स्ट्रक्चर को, हर जो भी एक्सरसाइज होती है ना, स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू गाइज। तो ये भी आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी। एक बार आप फिर देख लो लेफ्ट और राइट, ठीक है। जब मैं राइट करूँगी तो भी मैं बहुत देर तक उसे स्ट्रेच कर रही हूँगी, ठीक है। आप बिल्कुल थोड़े थोड़े पे छोड़ मत देना, थोड़ा स्ट्रेच करना। देख लो कितना स्ट्रेच हो रहा है, ये आपके जॉ लाइन पे सीधा सीधा वार करेगा और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। तो गाइस, फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
और आप प्लीज़ मेरे ड्रेस पे मत जाना। यस, मैंने उस दिन शूट कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि अबीर उठ गया था, ओवी उठ गया था। यस, अबीर का निक नेम ओवी है, वो उठ गया था और उठने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसको मैं ही चाहिए होती हूँ उस टाइम पे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई और मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ उस एक्सरसाइज को। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप देने वाली हूँ और प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। ये फोर्थ एक्सरसाइज है, आपको सीलिंग को किस करना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी जिसमें सीलिंग को मतलब अपने नेक लाइन को स्ट्रेच करके ऊपर देखना था, सेम वैसी है बट आपको एक तरह से स्काई को किस करना है। ओके, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो ये कितनी इजी एक्सरसाइजेस है ना गाइस, आप जरूर ये ट्राई करोगे, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। फिफ्थ एक्सरसाइज है, वो भी सुपर इजी एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपको कैसे करना है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना है और इसे कंटिन्यू करना है 30 to 40 seconds आपको करना है। आप चलते फिरते कभी भी करो, ईजी टू डू है, फ्री टू डू है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। सिक्स्थ एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस, उसके लिए आपको एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है। तो अगर ये जो मैंने पहले एक्सरसाइजेस बताई हैं, पांचों एक्सरसाइज, वो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ वो उसके लिए आपको एम्प्टी स्टमक करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सुबह फ्रेशन अप होके इसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ आपको इसे कैसे करना है। इस एक्सरसाइज को आपको आराम से, जैसे हम कपालभाति करते हैं वैसे आपको एकदम से फ्री बैठ जाना है और फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट यही करना है। यही एक्सरसाइज है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखा कितना इजी था। तो ये 6 के 6 एक्सरसाइजेस आपको आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। जो भी आप अगर ये फेस के चबनेस से परेशान हो, डबल चिन से परेशान हो, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही काम देगी। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मैं ऐसी वीडियोस और भी आपके सामने लेके आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। और जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो यही टिप है कि अगर आप दिन भर में हो सके तो एक च्युइंगम ज़रूर च्यू करो। अगर वो एक घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो आप च्यू करो, वो भी आपके फेस अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। तो एक च्युइंगम एक दिन में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।